वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं क्लास 10 के थ्योरम नंबर 40 को, जो चैप्टर 15 में है और पेज नंबर 208 में है। इस चैप्टर में कुल 3 थ्योरम हैं और हर थ्योरम जो है, ये चैप्टर जो है सर्कल और टेंजेंट से जुड़ा हुआ चैप्टर है। और इसमें जो भी थ्योरम है सर्कल और टेंजेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या है स्टेटमेंट, यानी थ्योरम में क्या साबित करना है। इसमें है द टेंजेंट टू ए सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसमें कहा गया है कि एक सर्कल है तो उसका जो टेंजेंट होता है कोई एक पॉइंट पर, वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा उस रेडियस का जो उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से होकर गुजरेगा। तो इसमें अब मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा और अच्छी तरह से थ्योरम को समझाऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसका आसान से ये मतलब जान लें कि इसमें ये कहा गया है कि किसी भी सर्कल में किसी एक पॉइंट में जो हम टेंजेंट बनाते हैं और उसी पॉइंट पर अगर हम रेडियस बनाएंगे तो वो रेडियस और वो टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ का मीनिंग यहाँ पे बता दूँ। जैसे कि टेंजेंट का मतलब, तो टेंजेंट का मतलब आपको पता होगा कि सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करके जो लाइन पार होता है या गुजरता है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये सर्कल है, सर्कल का एक पॉइंट यहाँ पी है और इस पी पॉइंट से ये लाइन टच करके पार हो रहा, सिर्फ एक पॉइंट से टच करके पार होगा ये, तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट कौन सा है, ए बी टेंजेंट है, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर मतलब तो आपको पता है, अमूद जो लाइन एक लाइन दूसरे लाइन पे खड़ा होता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसे हम अमूद कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब होता है जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना है और उसी पॉइंट पे जो रेडियस बन रहा है उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। जैसे ये है टेंजेंट, ए बी टेंजेंट है, कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे है और इसी पॉइंट पे ये एक परपेंडिकुलर है ओ पी, तो ये वाला जो है पी जो है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट तो हम थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, ओके। ये रहा थ्योरम नंबर 40 का, मैंने उस हिसाब से नक्शा बनाया है। एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है और उसके एक पॉइंट पी से होकर एक टेंजेंट गुजरा है, ठीक है। तो सवाल में जो दिया हुआ है, यानी थ्योरम में क्या गिवन है, दिया हुआ है ए बी इज़ ए टेंजेंट, ए बी एक टेंजेंट है। देखिए ए बी ये वाला लाइन एक टेंजेंट है जो एक पॉइंट से होकर गुजरा है। ए बी इज़ ए टेंजेंट एट द पॉइंट पी, पी पॉइंट पर यह टेंजेंट है। ए बी टेंजेंट किस पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर है, ठीक है। ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल का जिसका सेंटर ओ है, एंड ओ पी इज़ रेडियस थ्रू पी, और ओ पी जो है रेडियस है, ओ पी ये क्या है, रेडियस है, सेंटर से यहाँ तक सर्कमफेरेंस तक जो होता है ये रेडियस है, ओ पी क्या है, रेडियस है, थ्रू पी, पी पॉइंट से होकर जिस पॉइंट पर टेंजेंट बना है उसी पॉइंट पर ये रेडियस है। और पी 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 क्या चीज़ है, मैंने बताया पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट हो रहा है और उसी पॉइंट पे जो ये रेडियस है, तो ये रेडियस और ये टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, यानी एक दूसरे पर अमूद होगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, ओ पी जो है ये रेडियस ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, ओ पी परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर का पहचान है, निशान है, ओ पी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ओ पी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ पी परपेंडिकुलर होगा ए बी के ऊपर, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बनाएंगे, यानी यहाँ पे हम एक अमल करेंगे या बनावट, क्या चीज़ करेंगे हम यहाँ पे करेंगे कि ए बी के ऊपर में हमको एक दूसरा पॉइंट लेंगे,
ए बी पर एक पॉइंट तो पी है, पी को छोड़कर हम कहीं भी चाहे इस तरफ कहीं भी हम एक पॉइंट ले लेंगे, एक दूसरा पॉइंट लेंगे क्यू, ठीक है। एनी पॉइंट एनी अदर पॉइंट, कोई दूसरा पॉइंट, ठीक है, एनी अदर पॉइंट क्यू इज टेकन ऑन द टेंजेंट ए बी। ए बी टेंजेंट पर हम कोई भी एक दूसरा पॉइंट ले लेंगे, मान ली मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ क्यू पॉइंट, ठीक है। तो ए बी पर कोई दूसरा पॉइंट क्यू ले लिए हम, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओ से क्यू को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ओ से क्यू को ज्वाइन कर देंगे, ओ कोमा क्यू आर ज्वाइंट, ओ से क्यू को हम मिला देंगे, ओके। तो हमने ओ से क्यू को मिला दिया है ये लाइन, ठीक है। इसके बाद अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, यानी सबूत की तरफ। तो सबसे पहली बात हम जो लिखने वाले हैं कि देखें ए बी के ऊपर में हम पी को छोड़कर हम कोई सा भी पॉइंट ले, चाहे क्यू यहाँ पे ले, यहाँ पे ले, यहाँ पे ले, कहीं भी ले। तो अगर हम पी को छोड़कर कहीं भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो वो पॉइंट क्यू जो है वो सर्कल के बाहर होगा या नहीं होगा, आप बोले बिल्कुल होगा, क्योंकि क्यू यहाँ पे जो हम लिए वो पी से वो सर्कल के बाहर है। सर्कल पर कौन सा पॉइंट है, सिर्फ पी पॉइंट है। पी से अगर थोड़ा सा भी हम दाएं या बाएं कहीं भी ए बी के ऊपर पॉइंट लेंगे तो वो सर्कल से बाहर ही होगा, है ना। तो यहाँ पे वो बात लिखेंगे, एनी अदर पॉइंट ऑन ए बी, ए बी पर कोई भी दूसरा पॉइंट किसको छोड़कर, एक्सेप्ट पी, यानी पी के अलावा, एक्सेप्ट मतलब अलावा, पी के अलावा इज क्या होगा, आउटसाइड यानी बाहर होगा, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर होगा। और ये देखकर भी समझ में आ रहा है क्यों हम कहीं पर भी ले ले वो तो सर्कल से बाहर ही होगा, ठीक है। तो जब सर्कल से बाहर होगा, तो जब सर्कल से बाहर होगा उस वक्त हम ओ से क्यू को मिलाएंगे, तो ओ से जब क्यू को हम यहाँ पे मिला रहे हैं तो ये लाइन जो है ये सर्कल को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी काट रहा है ना। जब भी क्यू बाहर है तो हम ओ से क्यू को मिलाएंगे तो ज़रूर वो सर्कल को काट कर ही पार होगा। तो इस तरह क्या होगा, ओ क्यू जो बनेगा लाइन वो सर्कल को एक पॉइंट पर काटेगा, ठीक है, या इंटरसेक्ट करेगा। तो ये बात हम लिखेंगे, इसलिए ओ क्यू इंटरसेक्ट यानी काटेगा या कटा करेगा द सर्कल एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर काटेगा या कटा करेगा। तो जिस पॉइंट पर यहाँ पे काट रहा है, इस पॉइंट का हम एक नाम दे देंगे, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम आर, इस पॉइंट का नाम हम क्या लिख लेते हैं आर, ठीक है, ये पॉइंट आर है। लेट, मान लिया वो पॉइंट आर है, लेट आर बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मान लेते हैं कि जिस पॉइंट पर सर्कल ओ क्यू ने जिस पॉइंट पर सर्कल को काटा है वो आर है, ठीक है। तो जब आर हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर से आप देखें नक्शे से देखें, ओ से लेकर आर तक ये लाइन ओ आर ये वाला, और ओ से लेकर क्यू तक ओ क्यू, इन दोनों में कौन बड़ा है आप बताएं, ओ आर बड़ा है ये टुकड़ा ओ से लेकर आर तक, या ओ से लेकर क्यू तक कौन सा बड़ा है। तो आप बिल्कुल बोलेंगे ओ से लेकर क्यू बड़ा है और ओ आर क्या है, छोटा है, है ना। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए ओ आर लेस देन यानी छोटा है किससे, ओ क्यू से। ओ आर लेस देन यानी ओ आर छोटा है ओ क्यू से। और ऐसा छोटा क्यों है, छोटा होने की अगर वजह लिखेंगे तो यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि ओ आर इसलिए छोटा है क्योंकि आर जो पॉइंट है वो ओ आर क्यू के बीच में कहीं पर है, इसलिए ओ आर छोटा होगा और ओ क्यू बड़ा होगा। इसके वजह हम लिखना चाहें तो हम राइट साइड में लिख देंगे ब्रैकेट में, चूँकि
R is a point between O, Q. ओ क्यू के बीच में आर है कहीं पर, इसलिए ओ आर छोटा हो रहा है और ओ क्यू बड़ा हो रहा है, ठीक है। फिर आप नक्शे में देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि ओ आर क्या चीज़ है, ओ आर रेडियस है ना, सेंटर से लेकर यहाँ तक है, सर्कमफेरेंस तक, तो ओ आर क्या है, रेडियस है। और इसी तरह से O से लेकर P तक ये वाला लाइन, ये भी रेडियस है ना। तो हमें पता है कि सर्कल का सभी रेडियस बराबर होता है, इसलिए OR और OP दोनों आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है, OR इक्वल टू OP। ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि ये दोनों जो है सेम सर्कल का रेडियस है, ठीक है। रेडियस का जमा रेडियाई होता है। इसके बाद अब आप यहाँ पे देखें, ओ आर छोटा है ओ क्यू से और ओ आर ओ पी के साथ इक्वल है, बराबर है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ओ आर की जगह में हम ओ पी लिख सकते हैं, क्योंकि ओ आर और ओ पी दोनों सेम चीज़ है, दोनों इक्वल है, इसलिए हम ओ आर की जगह में ओ पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ओ आर की जगह में ओ पी पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ओ आर और ओ पी दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पे ओ आर की जगह में ओ पी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे ओ आर की जगह में ओ पी लेस देन होगा, छोटा होगा किससे, ओ क्यू से होगा, ठीक है। तो हमने अभी दिखाया कि ओ पी छोटा है और ओ क्यू बड़ा है, ये तो आपको देख कर भी समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ अब देखें कि ये जो Q पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था AB के ऊपर, तो ये Q पॉइंट जो है ये कोई भी पॉइंट है, यानी इस Q को हम यहाँ भी ले सकते थे, 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 चाहे इस तरफ कहीं भी हम P को छोड़कर कहीं भी हम Q को ले सकते थे, यानी Q इज़ एनी पॉइंट, Q कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो Q हम कहीं भी ले लें, चाहे हम P के अलावा यहाँ पे Q ले ले, यहाँ भी Q ले ले, कहीं भी हम Q को ले ले, तो हमेशा OP छोटा ही रहेगा और OQ हमेशा बड़ा ही रहेगा, ठीक है ना। तो OQ हमेशा बड़ा ही रहेगा, तो O से हम AB पर कोई सा भी लाइन बनाएंगे, कोई सा भी लाइन अगर हम बनाएंगे, तो उनमें से OQ यानी जो भी लाइन बनेगा OQ वो सब बड़ा होगा और ओ पी जो होगा ये सबसे छोटा होगा। यानी कि अगर आप इसको समझना चाहें तो इस तरह से समझ ले, यानी मान ली ये लाइन ए बी है, ठीक है, और ये पॉइंट ओ है, तो यहाँ से अगर हम बनाएंगे तो ये ओ पी होगा और बाकी जो भी हम पॉइंट यहाँ पे क्यू ले ले, तो ये ले या फिर इस तरह से ले, हम कोई सा भी लाइन लेंगे, क्यों अगर हम यहाँ ले ले या यहाँ पे क्यों ले या यहाँ पे क्यों ले, यहाँ पे क्यों ले, कहीं भी ले हम इस तरह से, तो आप खुद ही बोल सकते हैं कि इनमें सबसे छोटा कौन सा लाइन होगा। तो सबसे छोटा लाइन आपको बोलेंगे कि ये जो सीधा लाइन है ओपी, यही सबसे छोटा होगा, बाकी जो भी होगा ये सब बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि कोई सा भी लाइन हम बनाएं ओ से ए बी के ऊपर, उनमें सबसे छोटा कौन होगा, ओपी होगा, ठीक है। और एक थ्योरम है स्टूडेंट्स कि जो लाइन हम इस तरह एक लाइन जब हम सेंटर से इस तरह बनाते हैं, एक पॉइंट से जब एक लाइन पर हम बहुत सारा लाइन बनाते हैं, तो उनमें से जो सबसे छोटा लाइन होता है वही जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है या उमूद होता है, ठीक है। तो इससे ये साबित हो जा रहा है कि ओ क्यू बड़ा है और कोई सा भी ओ क्यू हम बनाएं वो सब बड़ा होगा और ओ पी सबसे छोटा लाइन होगा, इसलिए ओ पी क्या होगा, अमूद होगा या परपेंडिकुलर होगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमें उतना लिखना है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, चूंकि द पॉइंट क्यू इज एनी पॉइंट ऑन ए बी, चूंकि क्यू पॉइंट जो वो ए बी पर कोई भी एक पॉइंट था, इसलिए OP इज द स्मॉलेस्ट बोल ले या लीस्ट बोल ले, OP इज द लीस्ट
जो किताब में लिखा हुआ, लिस्ट माने होता है सबसे छोटा, ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स, ओपी जो होगा सबसे छोटा होगा, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स, सब लाइन से ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ओ टू द टेंजेंट ए बी, यानी सेंटर ओ से ए बी टेंजेंट पर हम जितना भी लाइन बनाएंगे वो सब लाइन में सबसे छोटा कौन होगा, ओ पी होगा, ठीक है। और सबसे छोटा लाइन जो होता है यही क्या होता है, वो परपेंडिकुलर रहता है। एंड अगेन यानी फिर लीस्ट डिस्टेंस यानी सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे छोटा दूरी जो होता है इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सबसे छोटा जो दूरी होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी ये OP सबसे छोटा है, O से लेके P तक का ये जो डिस्टेंस है, दूरी है, सबसे छोटा दूरी है, बाकी जो भी दूरी है सब बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, ये OP क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके ऊपर होगा, AB के ऊपर, ओके। इसे अब आखिर में हम क्या लिखेंगे, इसलिए OP परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, जो प्रूव हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप कमेंट में बताएं, और वीडियो को देखकर जिस जगह में प्रॉब्लम हो तो उसका जो टाइम जो होता है उस टाइम को आप लिख दें कि इस जगह प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ बताने की। तो आप मेरे वीडियोज़ को अगर अच्छे लगते हो तो लाइक करें, शेयर करें दूसरे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन वीडियोज़ को देखकर मैथ सीखने की और थ्योरम्स वगैरह को सीखने की कोशिश कर सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।